सीपीएम के बैनर तले लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के रामपुर बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि हिमाचल की सड़कों पर बसों में ओवरलोडिंग पर पाबंदी के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र, किसान और आम ग्रामीणों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है। उनका कहना है कि सरकार को विकल्प के तौर पर बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उनका कहना है कि हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में यातायात का प्रमुख जरिया HRTC बस सेवा है। ऐसे में बसों की कमी के चलते स्कूल कॉलेज के छात्र समय पर शिक्षण संस्थानों में नहीं पहुंच रहे हैं। दुग्ध उत्पादकों का दूध और सब्जी उत्पादकों की सब्जी मंडी नहीं पहुंच रही है, इसका सीधा असर ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 5-6 महीने के भीतर ही हिमाचल ट्रांसपोर्ट के 600 के करीब ड्राइवर व कंडक्टर और अन्य स्टाफ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में परिवहन निगम के साथ साथ आमजन के लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि रामपुर क्षेत्र के कुल 108 रूट होने के बावजूद रामपुर में करीब 150 के करीब ड्राइवर व कंडक्टर व अन्य स्टाफ की कमी चल रही है। बिहारी सिंह भी CPM लीडर ने कहा कि हिमाचल परिवहन को सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता है वो कम है, जिससे बसों की संख्या कम हो रही है। इससे परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं और खासकर इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। कॉलेज छात्रा चंदनी शर्मा ने कहा कि पहले तो मुश्किलों से गांव की लड़कियां कॉलेज से निकलती थी, उसके बाद बसों की कमी के चलते वे समय पर कॉलेज नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसी स्थिति में कौन शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सोलन में चिट्टे के काले कारोबार पर पुलिस गिद्ध की नजर रखे हुए है। जैसे ही पुलिस को तस्करों से जुड़ी कोई भी खबर हाथ लगती है, वे जाल बिछाकर उसे तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं लगाती है। आज भी पुलिस को भारी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें सोलन पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी खेप चिट्टे की बरामद की है, जिसमें उन्होंने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को जैसे ही गुप्त सूचना मिली वे मौके पर पहुंची तो उनकी टीम ने स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों की तलाशी ली, जिनके पास 43.37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 3 युवकों में से 2 युवक पहले भी चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 3 युवकों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आखिर वे इतनी ज्यादा मात्रा का चिट्टा कहाँ से खरीद कर लेकर आए थे। हमीरपुर को डस्टबिन फ्री बनाने की मुहिम तेज हो गई है, इसी के चलते वार्डों और शहर से डस्टबिन को हटाया जा रहा है। मुहिम के चलते हमीरपुर नगर परिषद पूरे प्रदेश में पहली ऐसी नगर परिषद बन जाएगी जहां पर एक भी डस्टबिन दिखाई नहीं देगा। पहले चरण में नगर परिषद हमीरपुर ने करीब 40 के करीब डस्टबिन हटाए हैं और बाकी डस्टबिनों को भी हटाया जा रहा है। नगर परिषद ईओ सतीश ठाकुर की माने तो जल्द ही नगर परिषद पूर्णतः डस्टबिन फ्री हो जाएगा। आपको बता दें कि डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर परिषद ने शहर में 3 समय गाड़ियों से साउंड सिस्टम लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो कूड़ा भी इकट्ठा किया जा रहा है। इससे पहले शहर में डस्टबिन के आसपास पूरे दिन भर कूड़े के ढेर लगे रहते थे, जिससे शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगता था, लेकिन अब डस्टबिन फ्री किए जाने से कूड़ा बाहर होने की समस्या से निजात मिलेगी। हमीरपुर के 11 वार्डों में 56 डस्टबिन रखे गए थे। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी सतीश ठाकुर ने बताया कि शहर को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए कवायद जोरों पर चल रही है और खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए वाहन 3 समय शहर के चक्कर लगा रहे हैं। नूरपुर के कस्बा जसूद में ब्लॉक समिति की जमीन पर बन रही दुकानों का स्थानीय व निकटवर्ती पंचायत के लोगों ने यहां चल रहे निर्माण कार्य का विरोध किया है और प्रदर्शन कर ब्लॉक खंड अधिकारी व प्रशासन को तत्काल इसे रोकने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछली सरकार ने यहां लगभग 40 लाख की लागत से सामुदायिक भवन के निर्माण
किया गया था ताकि जसूरवा सात की 5 से 7 निकटवर्ती पंचायतों के आर्थिक रूप से निर्धन लोग यहां विवाह शादियों का काम संपन्न कर सकें। इसके अलावा प्रशासन ने यहां बाजार के कस्बे में काम कर रहे मैकेनिक आदि लोगों को ट्रैफिक समस्या के चलते दुकान मुहैया करवाई थी ताकि यहां लोग अपने यहां पर काम करके अपना जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन यहां बन रहे बेमर्तबा दुकानों की वजह से इन लोगों के अलावा लोगों को विवाह शादी का कार्य संपन्न करवाना मुश्किल हो गया है। रास्ते के अभाव व पंडाल आदि ना लगाए जाने से यहां विवाह शादी के कार्य नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा जसूर में स्थल पर दशहरा राजनीतिक सभाएं हुआ करती थी जो कि इन दुकानों के निर्माण के चलते अतीत की बात होकर रह गई है। अपील है कि पैसे इथे ब्लॉक करने वाली गल है ना कि किसी का सुधार होने वाली। खंड विकास अधिकारी ओपी ठाकुर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर जाकर स्थिति का मुआयना किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस के नव नियुक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर कांग्रेस के अंदर मची खलबली और अपने ही नेताओं के द्वारा की जा रही टीका टिप्पणी पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसा ना करने की नसीहत दी है। प्रेम कौशल ने कहा कि कोई पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर टीका टिप्पणी करता है तो ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कौशल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस में अनुशासनहीनता कतई सहन नहीं की जाएगी और मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति प्रदेश में की गई है और अगर कोई इन नियुक्तियों पर उंगली उठाता है तो ऐसा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। कौशल ने कहा कि कांग्रेस का मिशन 2022 है और इसके लिए कांग्रेस एकजुटता से आगे बढ़ रही है।